हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ आलम खान। और गाइस एग्ज़ाम चल रहे हैं इसीलिए यार हम वीडियो का अपडेट नहीं दे रहे हैं। और भाई बहुत बुरी हालत हो चुकी है, इवन कल भी एग्ज़ाम है लेकिन कीड़ा उछला हुआ है घूमने का। तो पहले जाएंगे हम घूमने और उसके बाद भैया एग्ज़ाम की करेंगे प्रिपरेशन। और यार एग्ज़ाम की वजह से ही हम अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी हम अपडेट देंगे अच्छे से। और लेकिन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यों बनने? या एग्जैक्टली अब करने के हवाले हैं, दो एग्ज़ाम तो हो चुके हैं। हमने सोचा था कि एग्ज़ाम का भी व्लॉग शूट करेंगे लेकिन एग्ज़ाम इतना टफ था, इस बार के थोड़े टफ एग्ज़ाम है, सच बता रहा हूँ। टफ नहीं एक्चुअली, मैं पढ़ के नहीं जा रहा था, देखो कल भी एग्ज़ाम है अब भी नहीं पढ़ रहा। गलती हमारी है, हम पढ़ते ना, एग्ज़ाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। सो बेसिकली अब कल का एग्ज़ाम है, अभी प्लान बनाया, चल टहलने चल रहे हैं। मैंने तो बोला था कॉलोनी में ही टहलते हैं लेकिन अब जा रहे हैं कहीं और, तो देखते हैं क्या होता है। वगैरह दिखाते हैं जो आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं मसूरी और यहाँ पे देखो लिख रहा आई लव मसूरी, आई दिल मसूरी। तो चलते हैं अभी पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवाना है पहले। तो बेसिकली हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अभी पेट्रोल डलवाना है। गाइज पेट्रोल इसलिए डलवाना है क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा पहले ही पेट्रोल डलवा लूँ। कल कहाँ पेट्रोल डलवाता फिरूँगा, बिकॉज़ जिस रास्ते से मैं जाता हूँ वहाँ पर पेट्रोल पम्प नहीं होता और थोड़ा दूर भी है जाना। सो गाइज मैं डलवाने वाला हूँ 105 का पेट्रोल, 104 का नहीं 105 का डलवाऊँगा मैं, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दूँगा भैया। 105 का डाल देना पेट्रोल, थोड़ा आगे ले ले। तो गाइज ये है अपनी धन्नो, अब इसमें डलेगा 105 का पेट्रोल ताकि ये कल मेरे सेंटर तक पहुंच सके। तो पेट्रोल डलवा चुके हैं अपन लोग, अब जा रहे हैं कहीं पे आराम से इत्मीनान से बैठने के लिए। पहले कुछ खाने के लिए लेंगे, देखते हैं ये क्या लेगा, यही लेगा। तो ये भाई साहब कुछ खरीद रहे हैं यहाँ से, समोसे। अच्छा तो इसने ब्रेड लिए हैं 3 जिंदे। पेटीएम है, यूपीआई ना है, नहीं चल रही है। सो ये हो रहे हैं हमारे ब्रेड पैक और अंकल जी कर रहे हैं इन्हें पैक। हम चल दिए हैं यहाँ से नहाल वाले रास्ते पे को, मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, अपनी गांव वाली वहाँ से बोल दी। सो गाइज अभी ये जो रास्ता जाता है ये जाता है नहाल को, एक गांव है यहाँ पे काफ़ी बड़ा। और आप देख सकते हो ये है जिंदी नहर और ये बराबर में नहर है। आ चुके हैं यहाँ मसूरी झाल पर, नहाल के पास ये एरिया है, हम पहले भी व्लॉग में इस एरिया को ले चुके हैं। यार अभी ढूंढ रहे हैं हम बैठने के लिए जगह कि कहाँ बैठे, क्योंकि अपने को कुछ खाना भी है और बोतल भी लाए पानी पीने के लिए। ये लोकेशन है, ये है खाना और पाना और ये है साथ में किताब। बीसीए हमारे बिल्कुल भी नहीं है लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए किताब लाए कि हाँ बुक हमारे साथ है। बीसीए रिफ्रेशर। गाइस गुल्लू जा रहा है स्कूटी को अपनी आंखों के सामने करने के लिए, बिकॉज एक स्कूटी है यार, अगर वो गायब होगी तो अपना तो काम तमाम। अब हमारी स्कूटी दिख रही है और मैं बैठा हूँ इस लोकेशन पे जहाँ पे पैर आराम से पानी में डाल सकते हैं अपन लोग।
ओहो माय गॉड, ठंडा ठंडा पानी एकदम फुल मजा है, इट इज सो अमेजिंग। अंग्रेजी इंग्लिश तेरा भाई सीख गया इसका मतलब अंग्रेजी। तो भाई साहब अपना इंग्लिश में बहुत कच्चा हाथ है बाय द वे, लेकिन मैं फ्लो में दो चार इंग्लिश बोल देता हूँ। तो ये है देखो भाई चटनी मिक्स, और ये है भाई साहब एक दो तीन डिस्पोजल लिया उसने, लेकिन हमें की जरूरत थी भाई, मतलब हाथ डोंगे। और भाई साहब तीन ब्रेड है जबकि हम दो जने हैं, और अब समझ में आया तीन डोंगे क्यों दिए, क्योंकि हमने तीन ब्रेड लिए हैं। अच्छा, अच्छा। दिखाना कि हम दो जने हैं। सो गाइज हमारी पिन्नी खुल चुकी है इस वक्त, जिंदे तीन ब्रेड, तो गुल मोहम्मद स्टार्ट करने वाला है इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। देखो चप्पलें भी इसने ही पे रखी है, क्या फर्क पड़ता है देसी लोगों। और देखो किताब देखो कहाँ रखी है माशाल्लाह, इसे देख देख के मैं जी लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ दिया। यार ब्रेड पकौड़े खुल चुके हैं इस वक्त, और लोकेशन आप दिख रही है, अपन आए यहाँ पे छोटी सी पिकनिक मनाने, छोटा सा प्लान बना था, मैं इसे बोल रहा था थोड़ा घूम लेते हैं, इसने बोला चल घूम रहे हैं तो उधर चलते हैं, अपन आगे इधर। यार अब देखते हैं आगे क्या करें, खाते हैं बस। तो भाई साहब इन भाई साहब को देखो पानी में है पैर, और इनका कल का एग्ज़ाम है, और भाई साहब ये कर रहे हैं नहर के अंदर कूद के पेपर की तैयारी। ऐसा नहीं है कि हम किताब ले गए हैं तो हमने किताब नहीं खोली है, भाई साहब जिंदी किताब खोली है, लड़का चुपचाप पढ़ रहा है, और ब्रेड पकौड़ा हम खा चुके हैं, और अब हम घर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि यार मगरिब का टाइम हो रहा है और नमाज़ पढ़नी है हमें घर जाके। तो भाई साहब पेपर की तैयारी हो रही है, तो लोंडे ने पूरी फुल तैयारी कर रखी है। सो गाइस सीन ये है, वो बैक बेंचर ही कैसा जो एक रात पहले ना पढ़े पहली बात, और मैं देखो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बस अपने कल के जो मेरी यूनिट्स है ना उनके नाम चेक कर रहा था कि कौन कौन सी यूनिट आने वाली है। ठीक है तो बाय द वे तैयारी हो चुकी है फुल। तो यूनिट का नाम पता चल जाते हैं ना तो बना बना के लिख देते हैं, समझ रहे हो बैक बेंचर वाला टैलेंट, बस वही बात है थोड़ी सी। सो गाइस ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद अपन आए हैं इधर कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए, ताकि हाजमा अच्छे से हो जाए, जंक फूड के बाद थम्सअप वगैरह पी लेता हूँ मैं। फिर आई हैव अमेजिंग आइडिया, बता। आई थिंक वी हैव टू गो होम। अरे घर जाना चाहिए। यस बैठेंगे अभी थोड़ी देर, आप देख सकते हो मैं बैठा हूँ यहाँ पर बराबर में। नहीं नहीं मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर, मैं भी यहीं बैठा हूँ। ये भी यहीं पर ही है। यस तो अपन लेने वाले थे 20 वाली दो थम्सअप, लेकिन अपने 20-20 वाली दो थम्सअप, 20-20 वाली दो थम्सअप तो वो मिली नहीं, तो अभी फिलहाल ये 40 वाली से काम चला रहे हैं, 40 वाली से काम चला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने खाया जंक फूड थोड़ा सा, और घर पे जाके पढ़ाई भी करनी है तो थोड़ा हाजमा भी ज़रूरी है, और ये हाजमा काफ़ी जल्दी कर देती है। गाइस थम्सअप हो गई ख़त्म, और दिन भी हो चुका है डाउन, सूरज ख़त्म गायब हो चुका है, मतलब दिन मुन चुका है, और अभी जा रहे हैं अपन घर पे। मैं सोच रहा था कि यहीं पे नहाल पे नमाज़ पढ़ी जाए, लेकिन ये बोल रहा है घर पे चल रहे हैं, बिकॉज़ एग्ज़ाम भी है और मगरिब के बाद पढ़ने भी बैठना है अपने को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, बिकॉज़ एग्ज़ाम में कुछ लिखना भी होता है। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में, अब से इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी रहेगी हर व्लॉग में, 3-4 दिन में अभी डालेंगे, अगस्त में तो ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज़ क्या है कि अपने एग्ज़ाम चल रहे हैं और 17 तारीख को वो ख़त्म है, उसके बाद अपन 2 दिन में एक व्लॉग डालेंगे। अभी डेली व्लॉग नहीं डालने वाले हैं अपन, बिकॉज़ स्टडी यार पहले है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उस पर थोड़ा फोकस रखना है। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, जब के लिए बाय बाय।